इसमें क्या है कि जब पीछे बंदा बैठा हुआ है वो आराम से एंजॉय करते हुए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्गो कैपेसिटी की बात करी जाए तो वैसे कि ये 6 सीटर है, फिर भी इसमें आप एकोमोडेट कर सकते हैं, अगर शॉर्ट हाइट के बंदे हैं पीछे की तरफ बैठाल सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें जो बूट स्पेस है काफ़ी बढ़िया है। अगर आपने इसकी रिव्यू नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल द ऑटो स्टूडियो पर देख सकते हैं, जो जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर कलर भी है, और आगे से अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बुची लुक और SUV लुक लगता है इसका। पर हालांकि 2022 में इसका अपग्रेड आया है, जिसमें आपको क्रोम के ट्रीटमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो 16 इंच कर दिए हैं, डायमंड कट, वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। और जो लाइट्स हैं पीछे टेल हैं, हम वो भी स्मोकी कर दिए हैं, काफ़ी खूबसूरत ये गाड़ी लगती है। अगर आपका इनोवा का बजट नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन इसके अंदर मिल जाता है, रिफाइनमेंट काफ़ी टॉप लेवल पे है, और एक्सेलरेशन में कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आई अभी तक। हाँ, कह सकते हैं कि जो असेंट जो है वो जैसे 60 डिग्री वाला जो होता है उस पर हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, हूँ करती है, मतलब रेव ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए तभी वो आगे बढ़ती है। ट्रैक्शन जो टारमैक पे ट्रैक्शन नहीं छोड़ती, ये अच्छी बात है, जो हम लोगों ने कल मसूरी में फील किया, या फिर कह सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना उसके अंदर, जो यही है कि ट्रैक्शन लूज़ नहीं किया है गाड़ी ने बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी आराम से निकल रही है। और जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं गाड़ी पे, और ये सब चीज़ें हैं इस गाड़ी में, रूफ रेल्स भी हैं। तो मतलब थिंग, अगर आप इनोवा का बजट नहीं है आपका, तो बेटर है इस गाड़ी को आप कंसिडर करें। बिल्ड क्वालिटी ज़रूरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बिल्ड क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाए तो ये गाड़ी इज़ परफेक्ट। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं उनसे बात करेंगे, और उनसे अपना इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एक्चुअली में गाड़ी के साथ कितना मज़ा आया हमें। सो वी आर हेयर विद हर्ष एक्सप्लोरर भैया, जो जिनका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में विक्रम भाई हैं, सिंह ऑटोडॉक्स वाले, वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं भैया से यही पूछना चाहूँगा कि भैया अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैवल में? ये गाड़ी है ना XL6 यार, इसमें सबसे बढ़िया लगा मेरे को इसका कंफर्ट लेवल है गाड़ी का यार। इसकी जो कैप्टन सीट पीछे है, आगे सीट आप आराम से आ सकते हो, उसमें बैठ करके चार लोग बड़े आराम से आप तक आए। उसके बाद मैं गाड़ी को ड्राइव किया मैंने, और गाड़ी को ड्राइव करने 1.5 का इसका 1.5 लीटर का, तो इसका 1.5 लीटर का डीजल पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन जो कि काफी स्मूथ था और अच्छी खासी पावर जो जनरेट कर रहा है इंजन जो है, तो काफी बढ़िया था। गाड़ी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई पूरी इसमें ड्राइव करने में, और पहाड़ों के अंदर भी और हाईवे का भी काफी अच्छी गाड़ी ड्राइव रही। तो अभी तक अपन लोग ना इस गाड़ी से कुछ 600 किलोमीटर चल चुके हैं, ड्राइव कर ली गाड़ी, और एकदम कंफर्टेबल रहा है अभी तक। हमें गाड़ी के अनकंफर्टेबल फील हमें तो अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारे साथ में एक विक्रम भाई और विकास भाई भी हैं, इनसे भी कुछ इंटरव्यू करा लो। ओके ओके ओके, वी आर हेयर अगेन विद अनदर पर्सन, ही इज विकास गुप्ता, ये भी हमारे साथ इस जर्नी में हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि इस गाड़ी में आपका क्या ख्याल है, मतलब ये बताओ कि इसमें कितना, मतलब क्या क्या फील हुआ आपको, क्या एक्सपीरियंस हुआ अभी हम 500 किलोमीटर्स करके आए हैं। तो आई विल एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ जो पर्सन ज़्यादा ड्राइव नहीं करता एंड बस रिलैक्स होकर पीछे बैठता है। सो आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बूट स्पेस एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू सिट प्रॉपरली एंड वेन एवर आई वॉन्टेड टू रेस्ट आई हैव द हेड रेस्ट एंड ऑल्सो अ पीसफुल जर्नी। सो इट वॉज हाउ अबाउट कम्फर्ट, कम्फर्ट लेवल पे आप इसको कितनी रेटिंग देंगे 10 में से? कम्फर्ट लेवल आई हैव फेल्ट लाइक ऑन 10 बिकॉज हर चीज की उसमें फैसिलिटी थी, द रूम, द टेम्परेचर इन साइड द कार एंड द एम्बियंस एंड व्हेनेवर वी नीड चार्जिंग देर आर चार्जिंग सपोर्ट जस्ट नियर बाय योर सीट। सो दिस वाज ओके। सो वन थिंग आई वांट टू आस्क दैट, हाउ कंफर्टेबल इज दिस, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ रूमी, हाउ रूमी इज कैबिन? हां, सो इट हैज अ परफेक्ट टाइप, परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ मूविंग एंड यू नो व्हेन एवर यू आर हैविंग अ लॉन्ग जर्नी यू वांट टू लाइक वी हैव टू टेक अ करवट और तो कोई दिक्कत नहीं आती है उस चीज में। तो दीज आर सम लाइक पॉइंट्स जो
इन ब्रदर ने शेयर किए वो रीज़न क्या है, ही इज़ नॉट इन टू कार्स, तो इतना ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। जितना भी इनने मतलब इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो एकदम फीजिबल मतलब रीजनेबल पॉइंट बताए हैं, बढ़िया पॉइंट बताए हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया लगा मिल करके। थैंक यू विकास भैया, वॉच दिस वीडियो तो आपको एक पॉइंट मिल गया होगा, मतलब एक आइडिया मिल गया होगा एक्सल 6 के बारे में कि एक्सल 6 का कंफर्ट किस लेवल का है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि इफ़ दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार विच इज़ 6 सीटर और 7 सीटर दे कैन प्लान फॉर दिस ऑल्सो इफ दे डोंट हैव बजट ऑफ लाइक 25 लाख रुपीज़ और 20 लाख रुपीज़, दे कैन एक्चुअली चूज दिस पर्टिकुलर कार। लाइक द वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो। बाय बाय, टेक केयर।